सभी बच्चों का एंटी नार्कोटिक स्टूडेंट केडर में सिलेक्शन हुआ है। पुलिस आप सभी को एक मिशन दे रही है, ड्रग्स फ्री केरला। आई थिंक यू गाइस कैन डू इट वेल। मैं बस ये जानना चाहूंगी, क्या कोई ऐसा है आपके दोस्त या रिश्तेदार में जो ड्रग्स लेता हो? अगर कोई है तो उसके बारे में आप हमें सीक्रेटली इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओके, विल यू? श्योर मैम। रमणी, जो कोई भी हो उसे को बाद में कॉल करें। हेलो, मैं मैडम, मैं वासुकी बोल रही हूँ। इस देश में ज्यादातर औरतें डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में कुछ नहीं बोलती, किसी न किसी डर से सबसे छिपा कर रखती है। अब आपको कंप्लेन करने से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हिम्मत करिए और आगे बढ़िए। मुझे आप अपनी बहन या दोस्त समझ सकती हैं। और बताइए कि क्या परेशानी है। किसी को बिना पता चले मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। सलाह मानिए, जो दिल में कही कंप्लेन सही समय पर सही इंसान से बिना हिचकिचाए कर देनी चाहिए। मैडम, यहाँ कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। कौन है वो लोग? घबराइए मत। स्पीक अप, यू आर नॉट अलोन वासुकी। कम ऑन वासुकी, टेल मी। वो दो लोग हैं मैडम। अरे ले लो बहन, ताजी ताजी और जिंदा मछली है। आज भी खाना और कल भी खाना, खाकर एकदम मन खुश हो जाएगा। ये सूरा भी ना कमाल का है। और अरे जल्दी जाओ नहीं तो मछलियाँ खत्म हो जाएंगी। अरे कल वाला ही भाव है। वो क्या है ना दीदी, की सूरा की मछलियाँ ज्यादा भाव नहीं खाती। ज्यादा मत बोलो। हाँ, अरे दीदी मैं आपका इंतजार कर रहा था, आपके लिए मजेदार मछली। आ जा, इसे पकड़ना इतना आसान नहीं होता। बहुत चालाक है, शिकारी देखते ही पतली गली पकड़ लेती है। लेकिन मैं भी कम थोड़ी हूँ, शिकार को ऐसे नहीं छोड़ता। समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये सूरा का जाल है, पूरा फैला के डालता हूँ। इसे देखकर तो मुझे पानी टपकता है। बाकी लोग कंप्लेंट क्यों नहीं करते? सूरा और शिबू जो भी बोलते हैं वो बाकी लोगों के लिए मजाक होता है मैडम, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। कौन है वो? शिबू के लाल सेब रसीले और कड़क। अरे दीदी क्या देख रही हैं? ले जाइए ना, देखा कितना कड़क और मीठा सेब है। लीजिए ना वासुकी मैडम, ये मैडम तो हमेशा लेकर जाती हैं। ऐसे लाल लाल और रसीले मीठे सेब आपको कहीं नहीं मिलेंगे मैडम। मैडम ले नहीं रही है तो कम से कम टेस्ट कर लीजिए। कई सालों से ये लोग इसी तरह डबल मीनिंग में औरतों से बात करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किससे क्या कहें? अगर घर पर हस्बैंड को कहा तो खून खराबा हो सकता है। इस चक्कर में हम औरतों को ये सब सुनना पड़ता है। जिस पर बीत रही है उसे छोड़कर बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुमने आज तक कभी रिएक्ट क्यों नहीं किया? इस शहर में हम लोग बिल्कुल सेफ नहीं है मैडम। हम औरतों को अपने आँख और कान खुले रखने पड़ते हैं, तभी इन गिरे हुए लोगों से खुद को बचा सकते हैं। हम पूरी जिंदगी घर संभालते हैं और हमारी सुरक्षा का क्या मैडम? हम हाउसवाइफ्स की तकलीफों को सुनने वाला कोई नहीं है मैडम। I will take care of it. Don't worry, Vasuki. चाहे बात से या नजरों से कोई भी औरत की इंसल्ट नहीं कर सकता, बदतमीज। मैं इनका स्ट्रीट वेंडिंग ही बंद करवा दूंगी। आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर शांत रहिए। रमणी, yes, ma'am. ऐसे बाबू से कहो कि जीप निकाले, हमें तुरंत निकलना है। लो आ गए अपने वकील साहब। यही कुछ कर सकते हैं। आप यही कुछ करेंगे? क्या बात है? अरे यार, अरे सर, शिबू को पुलिस ने मारा और पकड़ के ले गई। पर क्यों? ये सेब देखिए आप, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इन पर वैक्स की कोटिंग है, पता है? कौन से पुलिस स्टेशन लेकर गए? सर आप फोन किसे कर रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी को फोन कर रहा हूँ, वो उसे छुड़वा देंगे। आपके पास कोई काम नहीं है क्या? पुलिस पकड़ेगी, जेल में रखेगी, मुफ्त का खाना देगी और फिर छोड़ देगी। बिल्कुल सही कहा, ऐसे खराब माल बेचेगा तो उसकी पिटाई होनी ही चाहिए। तो वो वापस नहीं आएगा क्या? आएगा ना, दो चार दिन पुलिस वालों का मनोरंजन होगा फिर छोड़ देंगे। ये पुलिस वाले भी ना हमेशा अपनी मनमानी करते हैं। हो सकता है उसने सच में कुछ गलत किया हो। हाँ वो तो है। पूर्णिमा राव वर्सेस आंध्र प्रदेश सुना तुमने? वो केस जिसमें पत्नी ने पति को स्लो पॉइजन देकर मार डाला।
पता है कौन सा पॉइजन यूज किया था पति को मारने के लिए? सब्जियां उगाने के लिए जो पॉइजन यूज होता है वो यूज किया था, और सब्जियां हर दिन हर रोज खानी ही होती हैं। उसे खाकर तो कोई भी मर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मर्डर हुआ है। तो मुझे ये सब क्यों सुना रहे हो? इसलिए कि सूरा की मछली में तुम बढ़िया सा मसाला डालकर जब फ्राई करके खिलाओगी ना, तो मैं पेट भर के ढेर सारा खाऊंगा, इतना कि मेरे खाने के बाद तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा, देख लेना। आज मछली वाला नहीं आया था। वो तो सुनामी वाले दिन भी मछली भेजने आया था, फिर आज क्या हो गया उसको? अच्छा, फ्रिज में फ्रूट्स तो होंगे ना खाने के लिए? आज शिवू को पुलिस उठा कर ले गई। हाँ सुना मैंने, फल वाले को पुलिस ले गई और मछली वाला गायब। इस शहर में हो क्या रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब वो भी वैक्स लगा के सेब बेचेगा तो कर भी क्या सकते हैं, सब जनता की हेल्थ से खिलवाड़ कर रहे हैं। लगता है आज नहीं आने वाला। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हेलो सेक्रेटरी, देखिए ना आज मछली वाला आया ही नहीं। हाँ, कल कुछ लोग समुद्र में फायरिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, कहीं उन्हीं की गोली से हमारा मछली वाला ना निकल लिया। आप लोगों को देख के लगता है आप सब उसकी मछलियों की दीवानी हो गई हैं। इन्हें तो मजाक करने की आदत है। मैडम, आई एम ऑलवेज विद विमेन। तुम्हारी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है, वो शिबू इस वक्त हॉस्पिटल में है, सो यू जस्ट रिलैक्स। थैंक यू सो मच। तुम्हारे हस्बैंड वो बहुत शांत टाइप के आदमी है क्या? नहीं, जो हुआ अगर उन्हें पता चला तो वो गुस्सा करेंगे। तो फिर जो कुछ भी हुआ है उसे अपने तक ही रखो। वो मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, तुमने अब तक अपनी असली प्रॉब्लम उससे शेयर नहीं की है। मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मुझे तभी फोन करना जब सारी बात बतानी हो। सॉरी मैडम, मुझे खुलकर बताओ कि क्या बात है। मुझे अपनी दोस्त समझो और भरोसा करके बताओ। बताओ वासुकी, क्या बात है? बताओ वासुकी। मैं एक वकील की पत्नी हूँ, मेरे साथ जो हुआ है वो आईपीसी 376 के अंदर आता है। क्या कहा तुमने? मेरे साथ वासुकी, मेरे साथ बलात्कार हुआ है।